ये कहता है कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है और जिसके पास एक पर्टिकुलर खास डायरेक्शन होता है। तो ये कहता है कि ये यूनिट वेक्टर है, उस यूनिट वेक्टर को मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स कैप एरो, और ये यूनिट वेक्टर है 0.5 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप और प्लस सी के कैप, ठीक है ना। ये एक्स नाम का यूनिट वेक्टर मैंने मान लिया क्योंकि ये पूरा वेक्टर है, पूरा उसको नाम दे दिया जो भी दिया था। वेयर सी, सी क्या है इसमें से, सी की वैल्यू कितनी होगी, कोफिशियंट सी की वैल्यू कितनी होगी। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं क्योंकि एक्स एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा वन ही होता है, वन से अधिक नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड वन हो गया, और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको लेने आता होगा 0.5 का स्क्वायर और माइनस 0.8 का स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे ही लेते हैं ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसको, ठीक है, इसको पूरा आप सॉल्व कर लेना, स्क्वायर कर देना दोनों साइड, रूट हट जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर लेना, तो सी इज इक्वल टू आ गया 0.1111 अंडर रूट, 0.11 11 नहीं पढ़ते हैं गलत मैं, ठीक है 0.11 अंडर रूट। इसको पूरा आप सॉल्व कर लेना क्योंकि सी का स्क्वायर है, तो जब इसको जोड़ोगे और कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा, ठीक है।